अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ दो तरह की चटनी, एक है इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी। ये चटनियाँ रमज़ान में इफ्तार के टाइम पे हम भजियों के साथ, पकौड़ों के साथ ले सकते हैं, और कुछ चाट वगैरह बनाए तभी भी हम ये यूज़ होती। मैं पहले ही डालने वाली थी ये, मगर कि कुछ नहीं हो सका, रमज़ान में बिल्कुल टाइम भी ज़रा कम मिल रहा था, इसलिए वीडियोस भी बहुत कम डाल रही थी मैं, तो थोड़ी देर हो गई है डालने के लिए। आप लोग रमज़ान से पहले ही बनाकर रख ले सकते स्टोर करके। चलिए अब हम शुरू करेंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे, जिसके लिए इमली ली हूँ मैं 200 ग्राम है। इसे मैं 2 घंटे पहले सब भिगा के रख दी थी, फिर उसे अच्छे से हाथों से मसल के छन्नी में छान के इसे अच्छा छान ली, इसका पूरा जूस निकाल ली हूँ मैं। चटनी बनाने के लिए हम एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 टीस्पून उतना तेल डालेंगे। इसे गर्म होने देंगे, तेल गर्म हो गया, आप चाहे तो थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं, मगर मैं नहीं डाल रही हूँ जीरा, क्योंकि तो मुँह में आता जब वो हम चटनी खाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे गुड़ डालेंगे, मैं 1 कप गुड़ ली हूँ। ज़ीरा पाउडर डालेंगे, भुना हुआ ज़ीरा है ये, 1 टीस्पून। अदरक पेस्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पर, अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी ले सकते हैं, मेरे पास फ्रेश पिसा हुआ अदरक है। नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, शक्कर डालेंगे 1 कप डाली मैं शक्कर, क्योंकि तो इमली थोड़ी ज़्यादा है, ये 200 ग्राम है इमली, तो इसके लिए हम इसे मिलाते रहेंगे, ये पूरा नज़दीक आ जाना, अच्छा सूख जाना। ये देखिए इमली की चटनी बनके तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी, अब ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता, ये बराबर है, अब हम ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। अभी इसे अगर और ज़्यादा हम गाढ़ा करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता, ये बराबर है। ये देखिए चटनी ठंडी हो गई, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते। ये देखिए इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम पुदीना लेंगे, 1 बंच है पुदीने का, इसे मैं धो के डाल रही हूँ। हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम पुदीना लेंगे, 1 बंच है पुदीने का, इसे मैं धो के डाल रही हूँ। कोथमीर डालेंगे 1 बड़ा बंच, पुदीना भी सेम 1 बड़ा बंच लेंगे हम, कोथमीर भी 1 बड़ा बंच लेंगे, इसे मैं धो के डाल रही हूँ। हरी मिर्ची डालेंगे 5 से 6 अदद, दही डालेंगे 2 टेबल स्पून, नमक लेंगे थोड़ा सा, नमक लेना टेस्ट के हिसाब से, 4 अदद लहसुन की कलियाँ लेंगे, विनेगर लेंगे 2 टेबल स्पून, अगर विनेगर की जगह नींबू भी ले सकते हैं आप, ज़ीरा पाउडर लेंगे, भुना हुआ ज़ीरा है ये, पीस के रखी हूँ, 1 टीस्पून भर के लेंगे। अब हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे, ये देखिए पीस ली हूँ मैं चटनी को, ग्रीन चटनी, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे हम सब तली हुई चीज़ों के साथ, जैसे पकोड़े है, भजी है, उसके साथ खा सकते हैं, और चाट में भी, हर किस्म की चाट में ये हरी चटनी डलती है। ये इसे हम स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं, आराम से चलेगी ये। अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो बर्फ़ में ऐसा क्यूब्स के शक्ल में बना के रख लीजिए। ये
ये देखिए हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। अल्लाह हाफिज़।